कर्ज न चुकाने पर रची खुद के अपहरण की साजिश, फिर परिवार वालों से ही मांगी फिरौती। युवक गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने एक 27 वर्षीय युवक को अपनी झूठी अपहरण करवाने और घर वालों से फिरौती की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर अजय बंसल से संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान जितेंद्र जोशी के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा है 27 वर्षीय जितेंद्र कर्ज चुकाने के लिए अपनी झूठी अपहरण पर परिवार वालों से फिरौती की मांग कर रहा था। जोशी की पत्नी को एक व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें उसे बताया गया है कि उसके पति को अपहरण कर लिया है। उनके धमकी साथ 15 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगा गया है। इसके तुरंत बाद ही जोशी के परिवार वालों ने पुलिस में इस घटना की सूचना दी है। जांच के 12 घंटे बाद जोशी को ढूंढ निकाला गया। जांच के दौरान जोशी ने खुलासा किया कि अपने पिता से पैसे लेने के लिए उसने अपना अपहरण कराया था। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे फिलहाल 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। कल सुबह सुबह अंदाजा 5:30-6 बजे के आसपास एक कंप्लेंट बांगुर नगर पुलिस में प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जितेंद्र जोशी अंदाजा 27 वर्ष उसका किडनैपिंग हो गया है। वैसा फोन रात में 2 बजे उसकी पत्नी के मोबाइल पर ऐसा एक व्हाट्सएप कॉल आया था उसी के नंबर से, जिसमें तुम्हारे पति का किडनैपिंग हो गया और उसको छुड़ाना चाहते तो 5 लाख रुपए का फिरौती दो, इस तरह का कॉल प्राप्त हुआ था। तो वो आदमी विक्टिम काम करने के लिए डीमार्ट बांगुर नगर हद में नौकरी में था। 11:30 बजे शिफ्ट पूरी होने के बाद घर नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही फैमिली अप्रोच हुई इमीडिएटली विषय की गंभीरता के हिसाब से हमने इसमें पूरी हमारी टीम्स को एक्टिवेट किया। जो भी CCTVs थे डीमार्ट के अंदर भी, जो भी उसके साथ काम करने वाले उस शिफ्ट में थे उनसे पूछताछ करना हो या अदर हमारे एनालिसिस टेक्निकल होती है, सबका हमने इमीडिएटली शुरू किया। एंड उसके अंदर इस सब एनालिसिस के बाद शाम को कल 5 बजे मतलब विद इन 12 आवर्स उस व्यक्ति को रिकवर करने में या पुलिस स्टेशन में हाजिर करने में पुलिस को सक्सेस प्राप्त हुआ है। पूछताछ के बाद ऐसा समझ में आया है कि ये पूरा उसने ही खुद से ही अपना ये नाटक किया था किडनैपिंग का, और कुछ लोन वगैरह उसने लिया हुआ था जिसके कारण उसको पैसे का जरूरत था, तो पिता से पैसे लेने के लिए इस तरह का नाटक उसने अंजाम दिया। तो इस तरह का खुद से नाटक करने के लिए इसके केस के अंदर हमने 420 का सेक्शन भी ऐड किया किडनैपिंग था, और उस व्यक्ति को ही अरेस्ट करके आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। कोर्ट ने 3 तारीख तक का पुलिस कस्टडी इसके अंदर दिया है। अभी आगे का इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसने कैसे किया ये प्लानिंग, क्यों किया, किसके साथ किया। सर, जो किडनैपिंग के वीडियो उसके फैमिली ने पुलिस को दिखाया उसमें क्या कुछ किस तरह का आपने आपको प्रेजेंट किया था? एक वीडियो भेजा था फैमिली का जिसमें हाथ पैर बंधे हुए वगैरह था उस तरह का, उसको जब्त किया गया है गुनाह का, अभी वो तपास का भाग है, पंचनामा करके उसको प्रॉपर 65B के साथ हमने जब्त किया है। सर, क्या यह लोन चुकता करने के लिए प्लानिंग किया था या फिर खुद को हाईलाइट करने के लिए? ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों से लोन लिया हुआ था उसने, बट एग्जैक्टली क्या कारण था, क्यों है वो, अभी हमने इसीलिए पुलिस कस्टडी ली है इन सब मुद्दों के ऊपर, तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसी के हाथ के नीचे काम करने वाला मतलब डी मार्ट में उसी की टीम में जूनियर व्यक्ति को उसने इस यूज काम के लिए यूज किया है। एग्जैक्टली उसका रोल कितना है इस साजिश में, वो रोल था या उसका इसने यूज किया, ये हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। एंड उस हिसाब से उसको अरेस्ट करना